पीजी बॉयज इंटर कॉलेज पर में नंबर 10 है। देखो ये लिखा हुआ है अर्धवर्त में स्थित कोण। देखो अर्धवर्त हो गया यहाँ तक ये ठीक है। अब इसने कहा है कि स्थित कोण संपूर्ण होता है। देखो अर्धवर्त कौन सा हो गया यहाँ तक होता है ठीक है। ये ए ओ बी जो है ये इसका व्यास है ठीक। ये हो गया अर्धवर्त। इसमें बना कौन कौन सा है? कौन ए सी भी वही लिखा है ज्ञात है अर्धवर्त में बना कौन कौन ए सी भी है। अब उसने कहा है जो कोण है ये 90 अंश का होता है। कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। अब देखो कल एक परसों एक पर में कराई थी केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण कौन सा हो गया कोण ए ओ बी। परिधि पर बने कोण का और परिधि पर बना कोण कौन सा हो गया ए सी बी। हाँ दो गुना होता है। क्या होता है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है ठीक है। अब ये जो कोण ए ओ बी है देखो ये रेखी की गुना और रेखी की गुना कितने अंश का होता है 180 अंश बराबर दो कोण ए सी बी या दो कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। दो से कट गया कितना आ गया 90 या कोण ए सी बी बराबर 90।